अपना रोल नंबर और नाम अपने नेम को रीनेम कर लिया करें हर क्लास के अंदर। पहले मेरे सुनने, फिर मैं आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूँ। हर क्लास के अंदर आप जब अपने लॉगिन हो तो राइट क्लिक करके रीनेम करके अपना पीआईसी रोल नंबर और अपना नाम लिख लिया करें, ठीक है। तो ये चीज आपकी। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पता नहीं है किसने क्या शेयर कर दिया सर। ये मैं नॉर्मल आज की क्लास से रेलेवेंट क्वेश्चन ले लें सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह की नोटबुक कोई नहीं है कि हम डिजिटल फॉर्म में अपने जो प्रोजेक्ट हो उसे सेफ रख सके, जिस तरह साथ में ये कमेंट्स हैं और ये कर सकते हैं। हमारी जो जितनी क्लास की कमेंट्स वगैरह है ना, जितनी भी चैट के अंदर चीजें हैं, ये सारी मैं कॉपी करके, बल्कि अभी अली को मैं अपने क्रेडेंशियल दे दूंगा तो वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे और चैट जो होगी वो भी हमारे चैट पे। नहीं 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 सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हम आगे जाके पाइथन पे या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उन प्रोजेक्ट को अपने हम कैसे सेव रख सकते हैं, जिस तरह हार्ड कॉपी होती है, साथ साथ सीख रहे होते हैं और साथ साथ खुद अपने जो खुद अपनी सोच को सेव कर रहे होते हैं कि जो हम सीख रहे होते हैं, तो वो नोटबुक जो है ना कोई डिजिटल फॉर्म में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सेव रख सकें, जिस तरह ये मैंने अभी स्क्रीन शेयर की थी, इस तरह साथ में कमेंट्स हों और ये वो जी स्टिकी नोट्स बना इसके अलावा नेम में आप टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने उसके लिए। इसी के लिए क्विज के बारे में काइंडली सर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। क्विज कब होगा और क्या चीजें आएंगी, कौन सी हमें वो चीजें फॉलो करनी है सर, कोई चीज बता दें सर उससे रिलेटेड। अच्छा, जैसे ही क्विज आएगा ना, दो वीक पहले हम लोग अनाउंस करते हैं, तो वो सारी डिटेल दो वीक पहले आपको बता दी जाएंगी। इस क्वार्टर के अंदर आपके यानी लाइक दो या तीन ही आपके क्विज हैं, तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। पहले ये फॉर एवरीवन का दूसरा पाइथन मेरे ये जो AI टू एवरीवन है ये फॉलो करेंगे जी जी AI फॉर एवरीवन जी जी AI फॉर एवरीवन एंड्रू एनजी का जो पूरा कोर्स है वो देते हैं। अच्छा, मीन्स आपने हैंड रेज किया हुआ जी सर, प्रॉपर लेसन लेंगे। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रेड हैट लिनक्स है, वो यूज कर सकता हूँ मैं इन सब कमांड के लिए? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा, आपने यूबंटू किया हुआ है अब खुद आप जो यूज कर रहे हैं? जी हाँ। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मेरा एक सवाल था सर, मैंने जो जुपिटर वाली फाइल बनाई है ना, वो अगर मैं ओपन करता हूँ तो वो विजुअल कोड में खुल रहे इंस्टेड ऑफ गूगल में? नहीं नहीं, आपने जुपिटर नोटबुक बनाई है, किसमें खुली है? वीएस कोड में? सही सही चला, वहाँ भी चलती सर, ब्राउजर में चला रहा है सर। मुझे ये बता दें कि मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, तो वो उसमें मुझे लिंक मिल सकता है कोई? मैं इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाया लास्ट क्लास में। अच्छा, अभी तक अपलोड नहीं किया, तो जैसे हम अपलोड करेंगे तो पोर्टल पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और ये कि हमने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, क्या नाम है, फेसबुक ग्रुप भी, आई टी एक्सपर्ट बाय सर कासिम, और फेसबुक ग्रुप भी एक बनाया हुआ, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया सर। आप अपने ग्रुप से लिंक शेयर कर देंगे? ठीक है सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दूंगा सर। जी जी सर, आपका रेकमेंडेड सॉफ्टवेयर कौन सा, मतलब कि हम सब लोग इनिशियल स्टेजेस पे सीखने पे, और हम लोग मैं चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर पे जाएं जो प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अभी तो बस तरीके ही बताएं। आप बेहतर खुद सोचें कंपैरिजन करके। आपके सवाल पूछने के एंडाकोंडा के बारे में पूछें सर, एंडाकोंडा के बारे में पूछने की मैं सिर्फ इंस्टॉल कर दिया कि जो आप बार बार बोल रहे कि इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन ऑन करनी है, वो कुछ भी नहीं समझ आई। फिर मैंने रिसेंटली इसको इंस्टॉल कर दिया, सिंपली ही इंस्टॉल है। वहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ आता है जिस पर लिखा होता है एनवायरनमेंट पाथ, तो उसके ऊपर आपको चेक लगाना, वो चेक आपका नहीं लगा हुआ था, तो एनवायरनमेंट पाथ के ऊपर आपको चेक लगाना। किसकी वार्निंग दे रहा है सर? यही क्या आपका एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, वो जो कॉमन वार्निंग, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अटेंडेंस का दोबारा बता दो, मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। अटेंडेंस का सिंपल सा वे ये है कि आप